मैं और शाहिद उमरे पर जा रहे हैं। सच? आप और कालू भी चले ना। अरे खाने काबा के दीदार से क्या बात हो सकती है। नियत कर लो, अल्लाह सब कर देगा। सर बहुत मक्कार और शातिर लोग हैं। शातिर लोग ही ओवर स्मार्ट बनते हैं। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह तुझे उम्रा कराए। आप दोनों के पासपोर्ट कहाँ हैं? सर वो पासपोर्ट तो नहीं लोगों के पास है, वो वीजा लगाने के लिए दिए थे। तारीख क्या बताई थी? सर वो 15वें रोजे का वादा किया था, 15वें रोजे से सब वो गायब है, ऑफिस बंद है, कोई टेलीफोन भी नहीं उठा रहा। सर आप लोगों को कोई रसीद या कोई टिकट वगैरह दिया था? बस हमें तो दो कागज दिए थे। अफसोस इस बात का नहीं कि हमारी रकम डूब गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि हम अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं कर सके। हमारे हसरत हमारे दिल में ही रह गई। आप फिक्र मत करें, ना ही आपकी रकम डूबेगी और ना ही आप जाने से रुकेंगे। नाम क्या बताया था ट्रैवल एजेंसी का? सर वो ट्रैवल एजेंसी का नाम था डबल एस। आपसे रकम किसने ली थी? सर उधर वो दो बंदे थे सर, और सर एक का नाम खालिद था और दूसरे का आदिल। बड़े साहब गलती आप लोगों की भी है, बगैर तस्दीक किए आपने इतनी बड़ी रकम अदा कर दी। बस क्या बताएं मैडम, ये सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। अरे कुछ हमारे लिए मांगिए कीजिए। आप तो जानते हैं अपने लिए अकेले हमने कभी कुछ नहीं मांगा, जब भी अल्लाह से मांगा आपको साथ मिलाकर मांगा है। अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत से नवाजा। हाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस एक तमन्ना रह गई है, वो ही मांग रही हूँ। अब भी बाकी है? जी अभी तमन्ना बाकी है कि अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लूं और रोजा मुबारक देख लूं, फिर बेशक अल्लाह मुझे उठा ले। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मेरी भी तमन्ना यही है, पर क्या करें वसीला नहीं बन पाता। लेकिन जिस दिन अल्लाह का बुलावा आ गया सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन। आप नमाज पढ़ाए? अरे मस्जिद से ही आ रहा हूँ। अच्छा मुझे जरा उठा दे। अरे इस उम्र में सहारा चाहिए, शत्ता बेगम अभी तो आप जवान हैं। सारी जवानी तो आपके सहारे पर ही काटी है, अब तो बस कर दो। कैसे बस कर दूं? अब तो मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मेरा हाथ पकड़कर अल्लाह के घर की ज़ियारत करवाएंगे और फिर अपने इन्हीं हाथों से आप मुझे कब्र में भी उतारेंगे। अंदर मत खींच लेना। अरे अच्छा अब मुझे उठा दीजिए, काम भी करना है। आइए। आपके लेकर आई हूँ। कैसे भाई, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। थैंक यू। और ये देखिए, ये भी मैं आपके लिए लेकर आई। ये भी मेरे लिए लाई हो? भाई वाह, कलर देखो कितना प्यारा है भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो ना, ये ठीक है? माशाल्लाह बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, मैं और शाहिद उम्रे पर जा रहे हैं। सच? जी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? खाला आपको तो पता है कब से इरादा था, कल शाहिद ट्रैवल एजेंसी वाले से बात कर आए हैं। खाला आप और खालू भी चले ना। अम्मा आपको कब से कह रही हूँ, आप भी उम्र पे चली जाए ना। अरे बेटा ख्वाहिश तो मुझे भी है,
मगर इतनी रकम। खाला, रमजान का महीना और शब कदर काबे में, ईमान से किस्मत वालों को नसीब होती है। आप खालू से बात करके देखें। अम्मा आप इरादा कर लें, अल्लाह सब कर देगा। मैं आज ही जुनेद से बात करती हूँ। आज नाहिद आई थी, दोनों मियां बीवी उम्रे पे जा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। कह रही थी कि खालू से बात करें तो आप भी हमारे साथ चलें। अरे खाने काबा के दीदार से अच्छी क्या बात हो सकती है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात तो मैंने भी कही थी, कहने लगी कि नियत कर लो, अल्लाह सब कर देगा। अरे नियत तो बरसों से कर रखी है, जब ही तो पास थोड़ी बनवा के रखे थे, बगैर कोई वसीला बन ही नहीं पाता। अच्छा सुने, कुछ रकम है मेरे पास। आपके पास कहाँ से आई? अरे आपकी तनख्वाह में से बचा बचा कर रखती थी इसी काम के लिए। कितने हैं? अच्छे खासे हैं। और हाँ, आपका भी तो बैंक में अकाउंट है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ रकम होगी। है, लेकिन इतने नहीं के पूरी हो जाए। आप कल जाके मालूम तो करें बैंक में, हो सकता है कि मिला जुला कर सब जमा हो जाए, और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो शब्बे कदर हम खाने काबा में ही गुजारेंगे। अरे शायस्ता बेगम, आप तो तैयार बैठी। हाँ हाँ, कब बुलाएगा मेरा मौला। जी पासपोर्ट लाए आप? जी ये रकम लाए आप लोग? वो अभी तो मालूमात करने के लिए आए थे। देखिए अंकल, 15वें रोजे तक वीजे लग रहे हैं, रकम तो लेकर आनी चाहिए थी ना। वो आप हिसाब बता दीजिए, वो रकम कल पहुंचा देंगे हम आपको। बेटा हम चले तो जाएंगे ना। देखिए बहुत खुश नसीब है हम आप के रमजान में वीजा लग रहा है आपका, लोग तरसते हैं इसके लिए, और वैसे भी हमारे पास बहुत कम ही वीजे बचे हैं। अल्लाह तुम्हारा भला करे, कल हम रकम पहुँचा देंगे। बेटा कितने पैसे लाने? देखिए पूरा पैकेज एक बंदे का 1,00,000 रुपए का। 2,00,000 रुपए? अगर ज्यादा लग रहे हैं अंकल तो रहने दीजिए, अगले रमजान को चले आइएगा। नहीं नहीं, ला देंगे पैसे हम। ठीक है, ये पासपोर्ट रखना। बेटा ये पासपोर्ट रखो, हम कल रकम दे देंगे। चलें ठीक है, आप कल ले आइए। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या अभी भी कोई शक है आपको? मुझे डर है अगर रकम पूरी नहीं हुई तो। नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। खाला, कहाँ कहाँ पैसे छुपा कर रखे थे आपने? अरे बेटा, 10 साल से बचा बचा के जमा कर रही थी मैं उम्रे के लिए। आज पता चला शायस्ता बेगम, तुम हमसे छुपा के खजाना जमा कर रही थी। ये चोरी थोड़ी है, अरे मैं तो नेक काम के लिए रख रही हूँ ना। अम्मा ये अलग अलग क्यों रखे हुए थे? तुझे नहीं पता आजकल कैसे हालात चल रहे हैं, रकम हमेशा अलग अलग जगह रखनी चाहिए। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने बेटे को दे दो, वो गिन देगा, आप तो घंटा लगा दोगे। अच्छा आप ये बताएं कि बैंक से कितने पैसे निकलवा कर लाए? 60,000 से रखे हैं, मुझे नहीं लगता रकम इतनी हो सकेगी। अरे चुप करें, ऐसे कामों में अल्लाह बरकत डालता है। अम्मा ये तो 55,000 रुपए सिर्फ। तेरे बाबा के 60,000 मिलाकर कितने हो गए? 1,15,000, अभी 85,000 कम है। यानी के 80 और 5। तो तू ऐसा कर, ये मेरी अंगूठी है, इसे भी बेचा, ये तेरे बाप ने मुझे शादी में पहनाई थी, अब वो कोई वापस थोड़ी मांगेंगे, इससे तो अब हो जाएगा ना काम। अम्मा इसकी क्या जरूरत थी, ये बिकेगी कितने की? अगर ये हम बेच भी देंगे ना तो इससे हमारी रकम पूरी नहीं होने वाली। मेरा लॉकेट सेट भी ले जाएं,
फिर तो पूरे हो जाएंगे ना। नहीं नहीं बेटा, मैं तेरा कर्ज कैसे उतारूंगी। अम्मा आप भी ना। हाँ अम्मा कोई बात नहीं, ये फिर बन जाएंगे, बस आप लोग उम्रे की सादत हासिल कर लो। जैसी तुम्हारी। जुनेद के अब्बा जरा सोचे वो कैसा मंजर होगा जब शब्बे कदर की रात होगी और हम अल्लाह के हुजूर रोजा मुबारक के सामने होंगे। खुदा करे ऐसे ही हो। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या अभी भी कोई शक है आपको? मुझे डर है अगर रखम पूरी नहीं हुई तो। नहीं नहीं बिल्कुल पूरी हो जाएगी, हमारे पास जेवर अभी बहुत है। एक बात कहूँ? हाँ बोले। अगर दोनों की रकम पूरी नहीं हो तो हम नाहिद के साथ अकेली चली जाना। ऐसा ना कहें, मुझे उम्मीद है कि मैं अल्लाह के घर आपके ही साथ जाऊंगी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, मायूसी गुना है। इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा हमारे हक में बेहतर ही करेगा। हर तरफ से रकम जमा करने के बावजूद भी अभी 25,000 इसमें कम है। अम्मा आप दिल क्यों छोटा कर रही हैं? आप ये रकम तो पहुंचाएं, जब तक आपके जाने का होगा अल्लाह पाक जरूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। है मगर बेटा ये 25,000 कहाँ से आएंगे? अब्बा ये लो 25,000। ये कहाँ से लाए? अब्बा वो मैंने बाइक बेच दी अपनी। अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा जीता रहा, मेरा बेटा। ये लो बेटा। ऐसा करो वॉचर बना दो। बेटा अब तो हमारा काम हो जाएगा ना? जी जी अम्मा बिल्कुल, अब तो आप जरूर जाएंगे। है लेकिन बेटा कब तक? देखिए अब आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपको चला देंगे। पंद्रह रोजे को आप लोग इंशाल्लाह चले जाएंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, सारी उम्र में दुआएं ही देती रहूंगी। मैं दुआ कीजिएगा। फ्लाइट है आपकी? बस यूं समझ लो कि 15वें रोजे के बाद इंशाल्लाह हम मक्के शरीफ में होंगे। और वापसी? अब तो ईद इंशाल्लाह अल्लाह के घर पर ही होगी। अम्मा हमारे लिए भी दुआ करिएगा। अरे बेटा मैं तो सारे मुसलमानों के लिए दुआ करूंगी और अपने मुल्क और खास तौर पर कराची के लिए खुसूसी दुआ करूंगी
कि अल्लाह मेरे कराची को अमन का गहवारा बना दे। मगर मेरे लिए दुआ नहीं करोगी? कैसी बातें कर रही हो, तुम दोनों तो मेरी कुल कायनात हो। तुम लोगों के लिए तो मेरे दिल से दुआ निकलती है, बहुत साथ दिया है तुमने मेरा। बेटा अजान की आवाज। शरबत तो लें आप। बस बेटा, हमारे नसीब में नहीं था। 13वें रोजे से मैं उनको टेलीफोन कर रही थी, मगर वो जालिम लोग अपना ऑफिस ही बंद करके चले गए। नहीं अम्मा, किसी का नसीब किसने देखा, आप जरूर जाएंगे। आप फिक्र ना करें, वो लोग कितने ही बासर क्यों ना हो, हम आपके मुजरिम को आपके सामने ला कर। आप दोनों की रकम भी मिलेगी और आप दोनों मियाँ बीवी उम्रे पे भी जाएंगे। इसका अजर तो अल्लाह ही आपको देगा, वो मेरे ही नहीं ना जाने कितने लोगों को तड़पता छोड़ के चले गए। ऐसा हरगिज नहीं होगा, वो लोग कहीं नहीं जाते। सर ये तो ट्रैवल एजेंसी बंद है। जाहिर है जो लोग फरार करेंगे वो हमारा इंतजार तो नहीं करेंगे ना। जमाल, इस बिल्डिंग में मजीद ऑफिसर्स भी हैं, सबसे मालूमात हासिल करने की कोशिश। राइट सर। रमजान का महीना और उम्रे के नाम पर धोखा, कैसे लोग आएंगे? सर लोग तो बिना सोचे समझे हर ट्रैवल एजेंसी पर एतबार कर लेते हैं। ये मत सोचो कि लोग क्या करते हैं, ये सोचो कि हमें क्या करना है। सर ऐसे लोगों को तो हर कीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो अल्लाह के घर जाने वालों को भी नहीं छोड़ते। इससे पहले कि ये उम्रा स्कैंडल मीडिया पर आए, गिरफ्तारियां जरूरी हैं, क्योंकि ये पूरी चेन है। सर ये जितनी भी ट्रैवल एजेंसी है आईटा में रजिस्टर तो होती है, इनसे मालूमात मिल जाएगी। ठीक है, मालूम करो कि डबल एस ट्रैवल एजेंसी का मालिक कौन है, ताकि इसका नाम हम फौरन ECL में डलवा। बेटा सर। जमाल मेरा ख्याल है कि हमें ट्रैवल एजेंसी की तरफ चलना चाहिए और वहाँ आसपास की जो शॉप्स हैं उनसे भी कुछ ना कुछ मालूमात लेनी चाहिए। राइट सर। सर ये तो ट्रैवल एजेंसी बंद है। जाहिर है जो लोग फरार करेंगे वो हमारा इंतजार तो नहीं करेंगे ना। जमाल, इस बिल्डिंग में मजीद ऑफिसर्स भी हैं, सबसे मालूमात हासिल करने की कोशिश। राइट सर। मुजाहिद तुम भी जमाल के साथ जाओगे। ओके सर। सब लोग अपना दामन बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करना कि कुछ ना कुछ मालूमात जरूर मिले। ओके सर। सर आप नहीं चल रहे क्या? नहीं, मैं एटा के ऑफिस जा रहा हूँ, उम्मीद है कि वहाँ से उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात जरूर मिल जाए। ओके। वालेकुम सलाम। यार ये SS ट्रैवल वालों का कुछ पता है, जो लोगों को उम्रे के लिए भेजते हैं? सही है, दो चार दिन से बंद है, बहुत से लोग पूछने के लिए आते हैं। क्या आपने पैसे जमा कराए? यार हमारे अजीज को भी उम्रे पे जाना है इनके जरिए। कोई और ठिकाना या कोई ऐसा आदमी जो इनका एड्रेस जानता हो? साहब हमारे गाँव के बंदा था जो उनके पास ड्राइवरी करता था, एक हफ्ता पहले उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, तो ड्राइवर है वो और बेरोजगार भी है? जी साहब बेरोजगार, इस वजह से बहुत परेशान है। चले जमाल साहब, उन दोनों का तो काम बन गया,
तुम ऐसा करो, उन दोनों को बुला लो, हमें ड्राइवर की सख्त जरूरत है। सही है सर, बुला लो। बैठो। क्या रिपोर्ट? सर किसी ने भी कोई खास बात नहीं बताई, सबका यही कहना है कि आदिल और खालिद के बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं जानते। सर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग पुलिस के साथ तावन करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? इसमें शायद हम पुलिस वालों की ही कुछ कोताहियां हैं। बहरहाल तुम बोलो। सर एक साहब का कहना है कि इनका एक और ऑफिस है, लेकिन पता वो भी नहीं बता सके। इसका मतलब तुम नाकाम होकर आए हो? अब ऐसी भी बात नहीं, बिल्डिंग के चौकीदार से कुछ मालूम इकट्ठी की है। ठीक है, फौरन उस ड्राइवर को लेकर आओ। फिर सर वो अफ्तार के बाद आएगा। ठीक है, मैं एसपी साहब से मिलकर आता हूँ, उनकी कॉल आई। मुजाहिद को कहाँ छोड़ा है? तुम्हें तो पता है, असर के बाद उसकी हालत गैर हो जाती है। अफ्तार का सामान लेने जाए। गुंजू कैसा धंधा चल रहा है? रमजान में तो अल्लाह की रहमत होती है सर। लाफे निकाल हमारी अफ्तारी। हाजिर है संतरी बादशाह। और कोई तंग तो नहीं करता तुझे? आपके अलावा कौन तंग करेगा? अब क्या करें, तू जानता है अपनी आदत, साहब लोगों को अफ्तारी भी तो करानी है ना यार। ऊपर तक बात पहुंच गई है उमरा स्कैंडल की। तुम्हें कैसे पता? जवाब साहब को एसपी साहब ने बुलाकर बड़ी क्लास ली है। वे मर गए यार। जवाब साहब ने कहा है तेजी से काम करना पड़ेगा, बहुत परेशान है। क्या खालिद और आदिल का ईसीएल में नाम देखे? जवाब साहब ऐसे कामों में देर नहीं करते। इसका मतलब है कि वो भाग नहीं सकते? छुप भी नहीं सकते। ये क्या लाए हो भाई? मैडम रमजान का महीना है, आप लोगों को रोजा खुलवाना भी तो सवाब का काम है ना। भाई लाया कहाँ से और क्या क्या लाया है? देखते उन्हें जमाल साहब, तबीयत खुश हो जाएगी और रोजा भी खुशहाल हो जाएगा आपका। कहाँ से लाया और क्या लाया? सर ये सब कहाँ से आया? सर मुझे दफ्तारी के लिए लाया। तुम लाए हो? जी सर। ठेले वालों से लाए? जी जी सर, वो इफ्तार के लिए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती इफ्तारी करनी है, वो भी रिश्वत से? सर वो अपनी खुशी से दिया उन्होंने। बकवास बंद करो, खुशी से इंसान सिर्फ खैरात देता है, रिश्वत नहीं। उठाओ उसे। ओके सर। वो जमाल तुमने कहा था ड्राइवर को लेकर आओगे, क्या हुआ उसका? सर वो अफ्तार के बाद आएगा। थाने कैसे लेकर आओगे, घबरा नहीं जाएगा? नहीं सर, मैंने उसे पुलिस में ड्राइवरी का झांसा दिया। उठाओ उसे, ले जाओ। ओके सर। नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सब बेरोजगार हूँ, जरूर करूँगा। तुम्हें आदिल के ठिकाने बताने पड़ेंगे, आदिल जहाँ जहाँ भी तुम्हारे साथ जाता है। सब मैं आपको जरूर बताऊंगा। शास्त्रा बेगम अब ये रोना दो, अब बंद करो, अल्लाह की रात पे भरोसा रखो। वो इंस्पेक्टर साहब ने निगरानी कराई, वो धोखेबाज पकड़े जाएंगे। हाँ माँ, जब अब्बा बोल रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब ने आप दोनों को यकीन दिलाया तो मुलजिम एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे, आप परेशान ना हो। अरे किसी के पकड़े जाने से मुझे क्या फायदा, मैं तो जाने से रह गई ना। पता नहीं मेरे नसीब में रोजे मुबारक देखना है भी या नहीं। हाँ माँ, अल्लाह पाक नियतों के देखने वाले। देखिए क्या एक दिन
वो आप दोनों को मक्का मदीना जरूर बुलाएंगे। खाला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने तो हमारे लिए अच्छा ही किया था। अम्मा दस्तरखान लगा दिया है, रोजा भी खुलने वाला है, चलते हैं। चलिए शास्त्र बाबा। सर यह है रहमान खान, ड्राइविंग करता है सर। बैठो। कब से ड्राइवरी कर रहे हो? 10 साल हो गए सर। पहले किसके पास थे? आदिल साहब के पास। वो डबल एस ट्रैवल वाले? जी सर। नौकरी क्यों छोड़ी थी? सर वो मुल्क से बाहर जा रहे थे इसलिए निकाल दिया। देखो अब्दुल रहमान, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सब बेरोजगार हूँ, जरूर करूँगा। तुम्हें आदिल के ठिकाने बताने पड़ेंगे, आदिल जहाँ जहाँ भी तुम्हारे साथ जाता है। सब मैं आपको जरूर बताऊंगा। गुड, मैं तुम्हें इनाम भी दिलवाऊंगा। जमाल तुम इनके साथ सादा लिबास में जाओगे, और हाँ मुजाहिद को भी साथ ले लेना, निगरानी शुरू करवा। ओके सर, चलिए। क्या खबर है? सर खबर अच्छी नहीं है, सब ऑफिसर मना कर रहे हैं कि अभी एयरपोर्ट मत आना। मगर क्यों? क्योंकि आप दोनों के नाम ECL में जा चुके हैं। ओ शिट यार, इसीलिए कहा था यहाँ से निकल जाएं, तब ऑफिस बंद करना। सर लॉन्च के रास्ते भी निकला जा सकता है, या फिर अफगानिस्तान के रास्ते। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर यही है कि कुछ दिन यहीं पर ठिकाने बदल बदल कर रहते रहो, 1-1.5 महीने में मामला सब ठंडा हो जाएगा। और ये कौन सा पहली दफा हुआ है सब? सर बहुत मक्कार और शातिर लोग हैं। शातिर लोग ही ओवर स्मार्ट बनते हैं और फिर कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। याद रखो फरा, मछली जितनी भी स्लिप होती हो जाल में फंसती जरूर है। सर अभी तक निगरानी का कोई खातिर खाब नतीजा नहीं आया। क्या मतलब? सर अक्सर ठिकाने बंद है सिवाय एक जगह के, जहाँ मुजाहिद निगरानी पर गए। कौन है? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। माफ करो बाबा। अबे माफ करने वाली जात तो ऊपर वाली है, रमजान का महीना बरकतों का महीना है, खैरात ज़कात दे दे बाबा, अल्लाह माफ कर देगा। दुआ करना बाबा। 10 रुपए में कहाँ दुआ होती है बाबा, खाली पेट है, अफ्तार के लिए कुछ सामान लेना है, अच्छी दुआ करूंगा, कुछ ज्यादा पैसे दे। क्या बात है बाबा, पैसे दे तो दिए इसने आपको। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह तुझे उम्रा कराए।
ठीक है ना? दुआ करना बाबा हमारे लिए। अल्लाह के नाम पे दे देगा, दुआ करेगा बाबा। तुझे हजार दफा मैंने मना किया कि ऐसी बार बार आके गेट मत खोला कर, पता भी तुझे सारा। चला अंदर। मुजाहिद की कॉल। हाँ मुजाहिद बोलो। अच्छा ठीक है, होशियारी से, कड़ी नजर रख। जमाल कहाँ है? उसे जल्दी से कॉल करो, अभी लेट करनी। राइट सर। अभी जाना है? हाँ अभी जाना है, और सारा बंदोबस्त मैंने कर लिया। तुमने तो कहा था संडे को यहाँ से निकलेंगे। देखो चार पांच दिन से ज्यादा रुकना यहाँ ठीक नहीं है, समझ गया ना तुम लोग? गाड़ी का बोला है? बोल दिया मैंने गाड़ी का, गाड़ी आ रही है। तुम लोग भी अपना अपना सामान पैक करो, जल्दी करो, निकलना है, जल्दी करो। हैंड्स अप, हाथ ऊपर, निकल। किधर भाग रहा था? हाँ कितने लोगों से रकम वसूल की है तूने धोखा देकर? सर यकीन करें सर, सर हमने किसी को धोखा नहीं दिया, कुछ कानूनी रुकावटें आ गई थी सर। हाँ रुकावटें तो आई होंगी ना तेरे भागने में, वरना तू कब का निकल चुका होता। कहाँ से वीजा लगवा कर देता था? सर तस्दीक हो जाएगी कि कहाँ से लगे वीजे। पर चुप कर, एम्बेसी दो नंबर वीजा नहीं लगवाती। इसमें एयरलाइन के कौन कौन लोग शामिल हैं? सर बहुत से लोग आएंगे, करोड़ों का मामला है, अकेले हजम नहीं होगा इसे। नाम है तेरा आदिल और काम है तेरा मुनाफिकों वाला। अरे तुझे शर्म नहीं आई कैसे कैसे मासूम लोगों का माल खाया तूने, वो भी रमजान के महीने में उम्रे के नाम पर। तू है जिस औलाद को तू ये माल खिलाएगा हराम खाएंगे तो करेंगे। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे हराम ही खिलाया है, इसलिए उसका असर ये रंग लाया है। ले चलो से। अल्लाह के नाम पे देता जा बाबा, अब तो तू फांसी चढ़ेगा बाबा। चल 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 उठ, चल। सितंबर 2011 में गुरुस्तान जौहर थाने में अखलाक अहमद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनसे मोहम्मद अजीम और उसके साथी ऐसल खान ने उम्रे पर भेजने की मद में 2,15,000 रुपए बमाए पासपोर्ट ले लिए थे और 7 दिनों में वीजा लगवाने का कहा था। उस दिन के बाद से उनकी ट्रेवल एजेंसी बंद पड़ी हुई है। पुलिस ने केस दाखिल करके इंक्वायरी शुरू की तो मालूम हुआ कि मुलजिमान ने अखलाक अहमद के साथ साथ दर्जनों लोगों को झांसा दिया है। मुलजिमान की बंद ट्रेवल एजेंसी खोलकर उसमें से 72 पासपोर्ट बरामद कर लिए और वहां से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया और मुलजिमान के सबका ड्राइवर की मदद से मोहम्मद अजीम और ऐसल खान को गिरफ्तार कर लिया।